हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। ये हिंदी क्लास 12। तो स्टूडेंट, हिंदी क्लास 12 में व्याकरण के अंतर्गत आज आप लोग रस पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है रस, और 2 नंबर का अलंकार और 2 नंबर के छंद आते हैं। तो इस वीडियो में आइए हम लोग रस की तरफ बढ़ें, आपके टीचर के पास लेकर के चलते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी व्याकरण कक्षाएँ 11-12 तथा सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह रस 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए हम लोग पहले रस के बारे में जान लेते हैं। रस किसी भी कविता को पढ़ने, सुनने व सुनाने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक याद होने चाहिए। आचार्य भरत मुनि, जो नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं, जन्मदाता हैं, उनके अनुसार रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं रस और उनके अस्थाई भाव। रस क्या है और रस अस्थाई भाव से ही जन्म लेता है, अतः यहाँ पर अस्थाई भाव दिया गया है और यहाँ पर उसके रस दिए गए हैं। रति, जो कि प्रेम होता है, रति अर्थात प्रेम के अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। शोक से करुण रस, हास से हास्य रस, उत्साह से वीर रस, क्रोध से रौद्र रस, जुगुप्सा अर्थात घृणा होने पर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। निर्वेद से शांत रस की उत्पत्ति होती है। वत्सल यानी बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, किसी भी प्रकार के बच्चे, किसी का भी बच्चा यदि हो, अगर उससे संबंधित प्रेम हो रहा है तो वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। और 9वां है भय। भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। थोड़ा सा हमें यह देखना होगा कि रस की व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति विभाव, अनुभाव एवं संचारी के अस्थाई भाव के मिलने पर उत्पन्न होता है, और यह मुख्य रूप से जब किसी व्यक्ति के अंदर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी हो तथा अस्थाई भाव का मिलन हो, वहाँ पर यह रस उत्पन्न होता है, रसों की उत्पत्ति होती है वहाँ पर। तो पहला हम लोग देख लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला संयोग श्रृंगार रस तथा दूसरा वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलम्ब श्रृंगार रस भी कहा जाता है। अतः यहाँ पर हम लोग पहले नंबर पर देख लेते हैं संयोग श्रृंगार रस। जब प्रेमी और प्रेमिका के मिलन संबंधी काव्य पाठों का उल्लेख जहाँ पर दृष्टिगोचर होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत पतझड़ में अति सुकुमार। इस काव्य पाठ के यदि अर्थ को समझा जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि नायिका के अंदर जो बिछड़ाव का पतझड़ आ गया था, उनके मन में उदास की भावना आ गई थी, लेकिन अब नायक के आ जाने पर अब उनके हृदय में पुनः फिर से बसंत खिल उठा है। इसलिए नायिका कहती है कि कौन हो तुम बसंत के दूत पतझड़ में अति सुकुमार। अतः इस काव्य पाठ को पढ़ने पर पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि यह संयोग श्रृंगार रस है। अब दूसरा देख लेते हैं वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के अलगाव का स्वरूप उल्लेखित हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी। अर्थात इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि श्री रामचंद्र की मृग नैनी सीता के खो जाने पर, रावण के द्वारा हरण कर लिए जाने पर श्री राम ने
जंगल के खग मृग तथा पर्वतों पहाड़ों से घूम घूम कर यही पूछ रहे हैं कि आप लोग मेरी मृग नैनी सीता को देखा है। अर्थात यहाँ पर सीता का राम से अलगाव हो जाने के कारण यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार रस का उदाहरण स्पष्ट होता है। धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग श्रृंगार रस के दो स्वरूप का अध्ययन किया है। अगले रसों की जानकारी अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। धन्यवाद।